ના એસીએસ સાથે ચર્ચા કરવાની છે. હું જ્યારે હસમુખ અઢિયા સાથે ચર્ચા કરવા ગયો ત્યારે એમણે મને કહ્યું કે 10 મિનિટનો મારી પાસે સમય છે, 10 મિનિટમાં જો મને 50% ડીએનું કોઈ સમજાવે તો હું સમજવા તૈયાર છું. અને મેં એમને 10 મિનિટમાં 50% ડીએની વાતને સમજાવી. આ સંગઠનનો પ્રભાવ છે, આ સંગઠનમાં આવ્યા પછી મારા વ્યક્તિ તરીકેનો કેટલો વિકાસ થયો એ તમે જોઈ શકો છો મિત્રો. એટલે વ્યક્તિનો વિકાસ તો થશે જ, પણ એ સંગઠનના કારણે જ થઈ શકશે. હું માતંગ સાહેબને વિનંતી કરીશ કે તેઓ આ વિષય ઉપર તેમનો મંતવ્ય રજૂ કરશે. આદરણીય રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ મેશરામ સાહેબ और गुजरात के अलग अलग जिले से आए हुए मूल निवासी साथियों, बामसेप कोई भी विषय निरुद्देश नहीं रखता, निश्चित उसका उद्देश्य होता है, और ना ही सिर्फ चर्चा के लिए रखता है, सिर्फ चर्चा के लिए भी नहीं रखता, और वो सब्जेक्ट बनाने से पहले निश्चित उसका उद्देश्य डिसाइड होता है. ये सब्जेक्ट बनाने के पीछे जो बामसेप की सोच है कि समाज में दिन ब दिन बामसेप का डेवलप इतनी गति से हो रहा है जिसका कोई आंकलन नहीं है, इतनी तेज गति से संगठन का विकास हो रहा है उसका आप कल्पना नहीं कर सकते. और उस तेज गति में हमारे समाज के जो नए कार्यकर्ता आते हैं वो भी अपना कैरेक्टर साथ में लेकर आते हैं. जब तक उनको कैरेक्टराइज नहीं किया जाता तब तक दिशा और निर्देशन की जरूरत रहती है, क्योंकि कोई भी जंग, दुनिया में कोई भी जंग बिना निर्देशन और बिना नियंत्रण के सफल नहीं हो सकती. और हम आजादी की जंग लड़ना चाहते हैं, हम इस समाज की आजादी की जंग लड़ना चाहते हैं. 15 करोड़ को मोबिलाइज करना चाहते हैं, उस मासिस को मोबिलाइज करना चाहते हैं जो हजारों साल से गुलाम रहा है, उस मासिस को अगर टैकल करने वाला मैकेनिज्म डेवलप नहीं होगा तो फिर से हम हमारी आजादी की जंग जो लड़ना चाहते उसमें सफल नहीं हो सकते, क्योंकि दुनिया में कोई भी संगठन बिना अनुशासन के ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहा. दुनिया का इतिहास है, संगठनों का भी इतिहास है, बिना अनुशासन के कोई भी संगठन ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहता. बामसेप कैडरवाइज ऑर्गेनाइजेशन है तो ये सब्जेक्ट रखने की क्या जरूरत हुई. अगर हम कैडरवाइज ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं तो ये सब्जेक्ट रखने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई, क्यों कार्यकर्ता नियंत्रण में नहीं रहते, क्यों कार्यकर्ता निर्देशन में नहीं रहते, ऐसी कौन सी वजह है, ऐसी कौन सी वजह है. तो दुनिया का एक थिंकर आदमी, प्रसिद्ध थिंकर आदमी ने एक रिसर्च किया हुआ है कि कोई भी संगठन में, कोई भी समाज में, कोई भी संस्था में, कोई भी सार्वजनिक जीवन में जो कार्यकर्ता उद्देश्य सिद्धांत नीतिमत्ता की बात करते हैं, नैतिकता की बात करते हैं, कुछ समय के बाद उनका कैरेक्टर ऐसा क्यों निर्माण होता है कि उसी उद्देश्य को, उसी सिद्धांत को, उसी नैतिकता को काउंटर करने का कैरेक्टर क्यों निर्माण होता है, उसका चरित्र ऐसा क्यों निर्माण होता है कि जिस उद्देश्य के लिए वो अपनी जान तक समर्पित करने के लिए बहुत बार बोल चुका होता है फिर उसमें ऐसा क्यों निर्माण होता है उसका कैरेक्टर. इसके ऊपर विश्व के थिंकर आदमी ने रिसर्च किया कि जो सार्वजनिक जीवन में कार्य करने वाले लोग हैं, संस्था में काम करने वाले लोग है, संगठन में कार्य करने वाले लोग है, वो जो जिस उद्देश्य सिद्धांत की बात करते उसके विपरीत उसका कैरेक्टर इसके लिए निर्माण होता है
क्योंकि एक सार्वजनिक एजेंडा है, संगठन का सार्वजनिक एजेंडा है जो सबको मालूम है, उद्देश्य सबको मालूम है, सिद्धांत सबको मालूम है, वो सार्वजनिक एजेंडा है। और दूसरा एजेंडा उस कार्यकर्ता के भीतर छुपा हुआ होता है जो उसका सेल्फ एजेंडा है। जब सेल्फ एजेंडा के ऊपर ज्यादा इंप्लीमेंटेशन करता है तो उसका कैरेक्टर उसी उद्देश्य उसी सिद्धांत को काउंटर करने वाला निर्माण होता है। अपने सेल्फ एजेंडा के ऊपर ज्यादा अमलीकरण करता है तब उसका कैरेक्टर बदल जाता है, प्रायोरिटी पे सेल्फ एजेंडा आ जाता है और संगठन का एजेंडा सेकंड स्टेज पे आ जाता है, उसका कैरेक्टर उसको काउंटर करने वाला निर्माण होता है। ये एक नंबर का कारण। नंबर दो का कारण कि समाज में बामसेप के कार्यकर्ताओं को जो मान सम्मान या रिस्पेक्ट है वो उसकी उद्देश्य और विचारधारा के तहत है, उसकी उद्देश्य और विचारधारा के तहत है। अगर उद्देश्य के विपरीत उसका कैरेक्टर हुआ, उद्देश्य को काउंटर करने वाला कैरेक्टर हुआ तो 25 साल का बीडी बोरकर 25 दिन में गायब हो गया। क्यों? वजह है जिस उद्देश्य और जिस सिद्धांत जिस विचारधारा से मान सम्मान होता है वो कार्यकर्ता एक साधन के तौर पर उसका वाहक है। कल तक खापड़े साहब थे और हमारे बहुत साथी थे, वो विचारधारा उद्देश्य समाज को उसके लिए तैयार करने के लिए हम सिर्फ वाहक है। अगर वाहक को ये भ्रम हो जाए कि ये उद्देश्य और सिद्धांत, ये उद्देश्य और विचारधारा मेरी वजह से, प्रायोरिटी पे वो मेरी वजह से अपने आप को रखता है, उद्देश्य और विचारधारा सेकंड स्टेज पे आ जाती है, फिर उसका कैरेक्टर बदल जाता है। नंबर तीन का कारण है कि संगठन में कार्यकर्ता जब आता है तो क्या अधिकारी बनकर नहीं आता कि मैं अधिकारी हूं इसके लिए संगठन में आया हूं। वो अधिकारी बनकर नहीं आता, संगठन का कार्यकर्ता बनकर आता है, संगठन का कार्यकर्ता बनकर वो संगठन में आता है, अपना सेल्फ अस्तित्व छोड़कर आता है, व्यक्तिगत अस्तित्व को छोड़ के आता है कि संगठन का अस्तित्व मेरा अस्तित्व रहेगा। कुछ साल के बाद फिर उसको दिखाई देता है कि इस संगठन में मैं कहां हूं, फिर अपना सेल्फ अस्तित्व खोजने लगता है, इसमें मैं कहां हूं, जो पहले छोड़कर आया था फिर उसी में खोजने लगता है इसमें मैं कहां हूं। तब उसको लगता है कि थोड़ा इसको साइड करूं, थोड़ा उसको साइड करूं, थोड़ा उसको मेरे साथ लूं, वो उसका एजेंडा चेंज हो जाता है, उसका एजेंडा खुद को आगे बढ़ाने का, सेल्फ डेवलपमेंट का हो जाता है। तो लोग उसकी बातों को तवज्जो नहीं देते, लोग उसके अस्तित्व के लिए आए नहीं इंडिविजुअली, तो उसको लगता है कि लोग मेरे को अवॉइड कर रहे हैं, तो अपने सर्कल में वो गुटबाजी करना शुरू करता है, इससे फिर सेबोटेज का काम शुरू हो जाता है। साथियों, एक बात महत्वपूर्ण जो है, 5 दिन के कैडर कैंप में मेसराम साहब ने जो बताया वो 5 मिनट में अगर उसका निचोड़ बताना हो तो हम 5 बातों से बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज करने वाले नहीं है, 5 बातों से बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज करने वाले नहीं है। नंबर एक, ऑब्जेक्ट से बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। नंबर दो, विचारधारा से बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। नंबर तीन, उद्देश्य और विचारधारा के लिए समर्पित जो नेतृत्व है उसको सेबोटेज का काम नहीं हो सकता, उस लीडरशिप को सेबोटेज के अलावा नहीं किया जा सकता, क्योंकि लीडरशिप तो गली गली में है लेकिन विचारधारा और उद्देश्य के लिए जो समर्पित लीडरशिप है उसको काउंटर करने का अलावा कभी नहीं किया जा सकता। नंबर चार, डिसिप्लिन जो संगठन का है, संगठन ने जो कार्य दिया, संगठन ने जो दिशा निर्देशन दिया उसको हम सेबोटाइज नहीं कर सकते, डिसिप्लिन में रहकर ही काम करना होगा। बहुत बार सीनियरिटी का भी भ्रम हो जाता है कि मैं सीनियर हूं, मुझे ये जूनियर क्यों मेरे को आदेश करेगा, उसका काम संगठन ने लगाया, जिस काम के लिए लगाया उसको करना पड़ता है। ये किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे इसके लिए हम बंधे हुए नहीं है, हम ऑब्जेक्ट के लिए बंधे हुए, हम ऑब्जेक्ट के रिलेशन से बंधे हुए,
किसी को अच्छा लगता है किसी को बुरा लगता है इसके लिए बंधे हुए नहीं है। डिसिप्लिन की मैटर को काउंटर नहीं किया जा सकता। नंबर 5, संगठन के रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स हो, मेंटल रिसोर्स हो, फिनेंशियल रिसोर्स हो, उसको हम सबॉर्डिनेट करने नहीं देंगे, क्योंकि समाज ने हमें हमारे में विश्वास किया, संगठन में विश्वास किया कि ये वो लड़ाई लड़ सकते हैं, ये लोग वो लड़ाई लड़ सकते हैं। वो समाज का विश्वास तोड़ने का हम काम नहीं करेंगे, उसके रिसोर्स को सबॉर्डिनेट करने का काम नहीं करेंगे। साथियों, लास्ट में कार्यकर्ताओं के लिए 3 महत्वपूर्ण बातें बताकर मेरी बात समाप्त करूंगा। आंदोलन चलाने वाले लोगों के पास आंदोलन चलाने के लिए 3 चीजें जो आवश्यकता है। नंबर 1 की ईमानदारी, उद्देश्य के प्रति ईमानदारी, इंडिविजुअल ईमानदारी नहीं, उद्देश्य के प्रति ईमानदारी। नंबर 2, भागीदारी, उसमें हमारा कंट्रीब्यूशन, हम समय कितना, जो उद्देश्य हम लोगों को बताते, समाज को बताते, क्या वास्तविक में हम उतना, हमारा कमिटमेंट है जो हम लोगों से अपेक्षा करते हैं। ईमानदारी, भागीदारी और समझदारी, ये 3 चीजें अगर समाज में निर्माण हो जाएगी तो उस समाज को कोई भी गुलाम नहीं बना सकता। ये बात कहकर मेरी बात समाप्त करता हूं। जय मूलनिवासी।